27 फरवरी 1934 को अमेरिका में पैदा हुए। जब वो एक साल का था तो उसके पेरेंट्स एरिजोना रियासत में आ गए। उसका वालिद एक आर्टिस्ट था, मुसव्विर था, और उसकी वालिदा बच्चों की किताबों की राइटर थी। स्कॉट मामाडे को शुरू ही से अदब और खासतौर पर पोइट्री से लगाव था। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इसने एमए किया और फिर अंग्रेजी लिटरेचर में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। इसके पहले नावल हाउस मेड ऑफ डॉन ने अवार्ड जीता। इसके बाद 1970 से लेकर 1990 के दरमियान इसने बहुत से अफसाने और नज़में लिखी और फिर से नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स मिला, यानी नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के एजाज से नवाजा गया। This poem is an expression of joy, happiness, merriment, lightness. The poet expresses his merriment through different metaphors, concluding that internal happiness results from harmony with the surrounding. Our contact with nature, surrounding people, and constructive things always results in happiness. पहले स्टेंजा में शायरी कहता है, इसकी इब्तदाई लाइन है, आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई, कि मैं एक पंख की तरह, मैं परिंदे के पर की तरह जो उड़ता रहता है आसमानों में, और लाइट फील करता है क्योंकि उसका कुछ वजन नहीं होता, और जैसे इंसान अपने आप को गमों से दूर पाकर अपने आप को लाइट फील करता है, और जब जब इंसान गमों से दूर पाता है, खुशियों में खेलता है, तो इंसान महसूस करता है कि मैं इस वक्त हवाओं में तैर रहा हूं। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। शायर ने अपने आप को ब्लू हॉर्स के साथ तशबीह दी है, हालांकि ब्लू हॉर्स का हकीकत में कोई वजूद नहीं है, लेकिन देवमालाई किस्सों में इसका जिक्र मिलता है, जैसे यूनिकॉर्न वगैरह के घोड़ा है जिसके माथे पर सींग है और वो भागता फिरता है, इंतहाई खुशी के आलम में बहुत ज्यादा तेजी से भागता है मैदानों में और हर जगह, इवन के उड़ भी सकता है। आई एम द फिश दैट रोज स्विमिंग इन द वाटर। और फिर शायद कहता है कि मैं एक मछली की तरह कि जो हर किस्म के फिक्रो गम से बेनियाज लोट पोट होती रहती है पानी में। फिर कहता है कि आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। यहां पे भी उसने सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है, ही बिकम्स अ शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड विच इज अ सिंबल ऑफ केयर फ्री, बेफिक्री की अलामत है, और टेंशन फ्री स्टेट ऑफ माइंड की अलामत है। और इससे हम देख सकते हैं कि शायर अपने आप को कैसा हैप्पी मूड में फील कर रहा है, और किस तरह से हार्मनी इसके एक हम आहंगी पाई जा रही है अपने इर्द गिर्द के लिए, यानी कि नेचर के साथ। अगली लाइन कहता है कि आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मैडनेस। यहां पे फिर मेटाफर का इस्तेमाल करते हुए हाइट ऑफ द लाइट का जिक्र करता है, खुशियों की था, और वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं शाम के तारे की तरह, मैं वो दूर का तारा
آپ کو خلاؤں میں محسوس کر رہا ہے، ہواؤں میں محسوس کر رہا ہے، اور لسٹر آف دا میڈو جو چراگاہ کی سبزہ کے اوپر ایک ہلکی سی دمک ہوتی ہے سورج کی روشنی پڑنے کے بعد، یا دن کے وقت جو چمک سی یا دمک سی نظر آتی ہے ہم کو اس کے پتوں کے اوپر، اس کو کہہ رہے ہیں پتوں یا بلیڈ کے اوپر، گھاس کے بلیڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، گھاس کی پتیوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہہ رہے کہ میں وہ دمک 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 اور پھر کہتا ہے کہ آئی ایم دا ایگل پلینگ ود دا ونڈ، آئی ایم اے کلسٹر آف برائٹ بیڈز، کہتا ہے کہ میں ایک عقاب کی طرح جو ہواؤں سے کھیلتا ہے، اور اپنے آپ کو انہی ہواؤں کے اوپر سیر کراتا ہے، یعنی فریڈم آف فلائٹ فیل کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں کلیکشن آف بیڈز کی چمک، اور بیڈز کو دیکھ کر آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ انسان ایک خوشی فیل کرتا ہے چمکتے ہوئے موتیوں کو دیکھ کر ان کی برائٹنس کے ساتھ، پھر کہتا ہے کہ آئی ایم دا فار دا اسٹار، آئی ایم دا کولڈ آف دا ڈون، آئی ایم دا رولنگ آف دا رین، آئی ایم دا گلیٹر آن دا کرسٹ آف دا سنو، کہتا ہے کہ میں وہ دور کا تارا ہوں جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، میں دور کا تارا ہوں اور خلاؤں میں محسوس کر رہا ہوں، اور آئی ایم دا رولنگ آف دا رین، کہ میں بارشوں کے گرجنا کہ جب زور کی بارش ہوتی ہے تو ایک عجیب سی خوشی کا سما فیل ہوتا ہے، کہ جب بھی کبھی بارش ہو تو چاہے سردیوں میں ہو چاہے گرمیوں میں ایک رومانٹک سا ماحول ہم کو نظر آتا ہے، اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ بارش بھی نیچر کا ایک حصہ ہے، پانیوں کا برسنا، اور نیچر میں چاہے پھولوں کے روپ میں ہو، چاہے سبزہ کے روپ میں ہو، چاہے بادلوں کے روپ میں ہو، چاہے پہاڑوں کے روپ میں ہو، چاہے بارش کے روپ میں ہو، چاہے دریاؤں کے روپ میں ہو، آپ نیچر میں ہمیشہ لائٹ فیل کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آئی ایم دا گلیٹر آن دا کرسٹ آف دا سنو، کہ میں سنو یعنی برف جو پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے سورج کی کرنوں کی، تو اور اس سے جو چمک پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں وہ چمک ہوں، پھر کہتا ہے آئی ایم دا لانگ ٹریک آف دا مون ان اے لیک، کہ میں جھیل کے بیچ میں جو چاند نظر آتا ہے، میں وہ لہراتا ہوا ہلتا ہوا عکس، میں وہ خوبصورت سا منظر، اور پھر یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا فلیم آف فور کلرز، آئی ایم دا ہول ڈریم آف دیز تھنگز، اپنے آپ کو چار رنگ کا شولا، جو بیسک کلرز ہوتے ہیں فور کلرز، ان چار رنگوں کی ساتھ تشبیہ دیتا ہے اپنے آپ، کہ میں امیج ہوں ان چار رنگوں کا جو فطرت میں پائے جاتے ہیں، جو آگ میں پائے جاتے ہیں، اور یونیکنیس اینڈ ورائٹی آف لائف ہی از ڈسکرائبنگ، ہی از اسپیکنگ آف دا ایویڈنس آف ہز باؤنڈلیس اینڈ انفینیٹی جائے that springing from a satisfied inner self, یعنی وہ اپنی خوشیوں کے بارے میں محسوس کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو کوئی انسان فیل کر سکتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے، انتہا درجے کی خوشی ہے، وہ میں نیچے کی چیز میں فیل کرتا ہوں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے،
भी नेचर में जाता है, अपने आप को फिक्र के हुस्न में ले जाता है तो बहुत हल्का फील करता है। अमूमी तौर पर हमने देखा होगा बतौर इलाज बाज मरीजों को कहा जाता है कि आप पेशेंट्स को कहीं सैर के लिए ले जाएंगे, किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां पर ये तफरी कर सके। और सैर के लिए अमूमी तौर पर किन जगहों पर जाया जाता है? वही जगह जहां पर नेचर का हुस्न होता है। फिर आगे शायद कहते हैं, यस यू सी आई एम अलाइव कि शायद यहां पे अपने खुशियों की इंतहा के बारे में बता रहा है। ही इज टेलिंग अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, हाइट ऑफ एक्सप्रेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस द सोर्सेज ऑफ हिज हैप्पीनेस। अब ये सोर्सेज कौन से हैं, अब जराए कौन से हैं उसकी हैप्पीनेस के? पर्सन वो ये नहीं शो कर रहा शायद कि कोई पर्सन कोई शख्स मतलब कैसे फील कर सकता है किसी दूसरे की कंपनी में, कैसे खुश फील कर सकता है किसी दूसरे शख्स की कंपनी में, बल्कि किसी दूसरे शख्स की कंपनी में नहीं कह रहा, वो नेचर की कंपनी में फितरत के साथ कितना खुश फील करता है। हाउ अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ नेचर, ही सेज दैट ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज इन गुड कांटेक्ट विद ऑल पावरफुल थिंग्स ऑफ नेचर। वो कहता है कि फितरत के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक है, मैं फितरत को तबाह करने वाला नहीं, मैं फितरत को एंजॉय करने वाला हूं, क्योंकि जो अपनी चीजें होती हैं फितरत हमारी अपनी है ना, जो इर्द गिर्द कुदरत का हुसन पाया जाता है हमारा अपना है ना, हम उसका हिस्सा हैं। इंसान भी उन्हीं में से एक है, फितरत के कारनामों में से एक कारनामा है। He is a part of beautiful scenes of nature. He is also part of earth environment. क्योंकि जमीनी जितनी भी खूबसूरती है इंसान भी उन्हीं खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है। खुदा की बनाई हुई तमाम खूबसूरत चीजें जो अल्लाह ने पैदा किया उनमें से एक खूबसूरत चीज इंसान भी है। और जैसे तमाम और नेचर की चीजें खूबसूरत हैं, इस तरह इंसान हर एक इंसान खूबसूरत है। He is in contact with all these objects that are fruitful. वो कहता है कि तमाम की तमाम चीजें जो समरावर होती हैं, जो फ्रूटफुल होती हैं, उन तमाम के साथ मैं इंकॉन्टेक्ट। इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहा है कि मैं डिस्ट्रक्टिव चीजों के साथ मेरा नाता मेरा रابطہ नहीं है, यानी उन चीजों के साथ नहीं है जो इंसानियत को तबाह करती है, उन चीजों के साथ है जो कि इंसानियत को फ्लरिश करती, इंसानियत को खुशियां देती है, जो खुशियां प्रोवाइड करने वाली है ना कि दुख प्रोवाइड करने वाली। यानी मैं जो जी दौर में जो पाया जाती है ये एंग्जाइटी और डिस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में ख्याल पाए जाते हैं, जैसे कि बॉम बनाना और असलहा बनाना, असलहे की दौड़ में शामिल होना, इन तमाम चीज़ों से दूर लेके जा रहा है। और मैं बेसिकली महसूस करवाता है कि नेचर के साथ अगर आपका रहा है, नेचर के साथ अगर आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, तो आप इन तमाम चीज़ों से दूर भागेंगे, आप नेचर को डिवेलप करने की बात करेंगे ना कि डिस्ट्रक्ट करने की, ना कि डिस्ट्रॉय करने की। These lines show that man must be a part of good things and objects to be happy and healthy. He should be in good contact with the nature. और नेचर के साथ good contact तभी हो सकता है जब हम
ट्रीज को प्लांट करें, काटें, जमीन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, बर्बाद ना करें, नेचर का हुस्न दुबाला करें, उसको तहवाला ना करें। दचला एक्सप्रेस।